मैं महक, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबर पर। आज का युवा बेरोजगार अपना खुद का व्यापार डालकर जीवन स्तर बढ़ा सकता है, लेकिन किसी युवा को व्यापार तो करना होता है, लेकिन कौन सा व्यापार करना है, शुरुआत कौन से व्यापार से करना है, इन सभी की पूरी जानकारी तो होती है, पर किस तरह से अपने मुकाम तक पहुंचना है, कैसे और क्या क्या किया जाता है, यहाँ पूरी जानकारी न होने के कारण आज का युवा बेरोजगार पीछे ही रह जाता है। नागपुर के तेलनखेड़ी स्थित कुक्कुट पालन संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में कई विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर आज के युवाओं को खुद के बल पर अपना व्यापार डालने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं डॉक्टर मुकुंद कदम। डॉक्टर मुकुंद कदम ने स्टार इंडिया न्यूज 19 से खास चर्चा करते हुए बताया कि मुर्गी पालन का व्यापार शुरू करते समय सही जगह की आवश्यकता होती है, साफ सुथरी और लंबी जगह की आवश्यकता होती है, और भी बातें कही है। इस पूरी जानकारी को विस्तार से सुनते हुए हमारे संवाददाता नितिन बागड़े से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मी आपल्या सोबत नितिन बागडे, आपण पाहत स्टार इंडिया न्यूज 19। आज नागपूर शहर विभागाच्या जवळ तेलनखेडी गार्डन जिथे कुक्कुट पालन संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर इथे पशु वर कशा प्रकारची देखभाल केली जाते आणि ती कशा पद्धतीची आणि कोणकोणती कोंबडी असतात, तर याविषयी आपण विस्तार मध्ये जाणूया येथील वरिष्ठ पशु वैद्यक अधिकारी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टार न्यूज के माध्यम से कि मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गे की जरूरत नहीं है, ये आप पहले फिक्स कर ले दिमाग में। इसलिए आज जितने भी आपको यहाँ मुर्गियां दिख रही है या जो इंडस्ट्री में मार्केट में जो हम लोग अंडे खाते हैं, तो वहां पे कोई भी मुर्गा नहीं रखते हम लोग, सिर्फ मुर्गियां ही होती है। आपको जो पिक्चर में दिख रही है सारी मुर्गियां, यहाँ पे कोई भी मुर्गा नहीं है, क्योंकि मुर्गी का अंडा देना ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसको मुर्गे की साथ में जरूरत नहीं है। ना ये मुर्गी को आप मान के चलिए जंगल का मोर भी लेते हैं या तोता भी लेते हैं या बदक लेते हैं, तो कोई भी बर्ड को, फीमेल बर्ड को उसका मेल साथी होने की जरूरत नहीं है अंडा देने के लिए। लेकिन अगर आपको उसमें से चूजा चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे जो है उसका मेल रखना पड़ेगा। अब हमारा पर्पज जो आपको जो ये अंडे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे अंडे जो है हम इसको टेबल एग बोलते हैं। टेबल एग इसका मतलब क्या, खाने वाले अंडे। अब जब मुझे मुर्गी अंडा नेचुरली दे रही है तो भला मैं साथ में उसके मुर्गे क्यों रखूंगा, मेरा फालतू में खर्चा क्यों बढ़ाऊंगा इसको दाने का, जब मुर्गी नेचुरली अंडा दे रही है। सो दिस ऑल आर द टेबल एग्स, और ये अंडे में से कोई भी जान नहीं है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, और ये अंडा जो है शुद्ध शाकाहारी अंडा है, और मार्केट में यही अंडे हमको खाने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अंडा ये वेज अंडा है, आप निश्चिंत होकर अंडा खा सकते हो। अब मेरा कहना यह है कि इस अंडे के अंदर वो सारे गुण है, वो सारा प्रोटीन है, वो सारी एनर्जी है, सारे मिनरल्स है, सारे विटामिन्स है, जो एक आदमी को उसके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए आज के डेट में ह्यूमन डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप चाय मत पियो दो टाइम भले, लेकिन 5 रुपए का एक आप अंडा खाओ, जो आपके सेहत के लिए ये अच्छा और लाभदायक रहेगा। और खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आप 100% एक अंडा आपको खिलाना ही खिलाना है। मैं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि एक आदमी ने एक साल में कम से कम 180 अंडे खाना चाहिए, और आज की डेट में इंडिया में हार्डली 78-79 एग्स एक आदमी एक साल में अंडे खाता है। तो आप सोचिए हमको और काफी दूर तक जाना है, 180 का आंकड़ा आपको पार करना है। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये मैं आपको दोनों इंडिया टीवी और स्टार इंडिया के माध्यम से जनता को बोलना चाहूंगा। कितनी दिवसापासून प्रशिक्षण घेता या कोंबड्या आम्ही 3 आठवडे झाले त्यांना आम्ही रेअर करतो आहे आणि आता 4th आठवडा चालू झाला आहे। आणि कोंबड्यांची देखभाल करताना त्यांना दाणा पाणी आहे, यांचं जे जेवण आहे, इंजेक्शन आहे, तर हे कशा प्रकारचं चालतं? त्यांना आम्हाला रोज 8:30 वाजता सकाळी जेवण द्यायला यावं लागतं, त्यांचं पाणी चेंज करावं लागतं, नंतर त्यांचं वॅक्सिनेशन शेड्यूल असतो, त्याच्या अकॉर्डिंग त्याला वॅक्सिनेशन करावं लागतं। यांच्या कोंबड्याच्या निगराणीमध्ये किती तास तुम्ही या कोंबड्यामध्ये राहून यांची देखभाल करतात? आम्ही सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत यांची देखभाल करतो, नंतर मग आम्ही आपको सारी जनता को बताना चाहूंगा, ये जो बर्ड फ्लू है, ये बर्ड फ्लू एक मुर्गी की बीमारी है। आप इसको पहले तो आदमी के दिमाग से पहले निकाल देना चाहिए। ये जैसे आदमी को एक सर्दी खांसी होती है, उसी तरह से एक सर्दी खांसी की बीमारी मुर्गी की है।
जैसे अगर मान के चलिए मुझे सर्दी हो गई तो मेरे भाई को सर्दी हो सकती है, मेरे घर वालों को सर्दी हो सकती है, उसी तरह से ये जो बर्ड फ्लू की बीमारी अगर एक मुर्गी को हो गई तो दूसरी मुर्गी को होना ही होना है। और उस कंडीशन में लगभग 80 से लेकर 90% तक मुर्गियां मर सकती है, समझ रहे आप? तो 80 से 90 तक मुर्गियां मरेगी, लेकिन उससे आदमी को होने के चांसेस जो है वो लगभग नहीं के बराबर है। आज की डेट में 2006 से लेकर पहली बार जब भारत में बर्ड फ्लू आया था 2006 में डिक्लेयर हुआ था, आज 2021 आ रहा है, तो 2006 से लेकर 2021 तक आज तक एक भी आदमी को बर्ड फ्लू हुआ है ऐसी कोई खबर नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे माननीय मंत्री महोदय है सुनील जी केदार जी, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि किसी आदमी को अगर बर्ड फ्लू हुआ है ऐसी कोई भी केस हम दिखा दीजिए उसको 1,00,000 रूपये का इनाम वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अभी आप हम लोग यहाँ पे पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये जो हमने 2016 में बनाया है यहाँ पे है, और मुझे बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशली इस पोल्ट्री ट्रेनिंग सेंटर को बनाया है ताकि विदर्भ में और हमारे विदर्भ के महाराष्ट्र के जितने भी किसान भाई है इन किसान भाइयों को पोल्ट्री के बारे में साइंटिफिक नॉलेज मिलने के हेतु से हमने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। क्योंकि आज मैंने देखा है कि किसान को अगर आगे जाना है तो सिर्फ खेती पे अगर वो डिपेंड रहेगा तो वो आगे उतनी प्रगति नहीं हो पाती है, बट अगर उसके साथ में अगर वो मुर्गी पालन या फिर और कोई जोड़ धंधा अगर वो साथ में करता है तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा। तो वो हेतु रख के हमने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, और इस ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत हम एक 5 दिन का प्रशिक्षण किसान भाइयों के लिए हम या बेरोजगार लोगों के लिए लेते हैं, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सारी डिटेल में जानकारी हम उनको देते हैं। काफी बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि भाई मैं ब्रॉयलर फार्मिंग का बिजनेस करूं या लेयर फार्मिंग का करूं या गावरान कुमरान का करूं या हैचरी मशीन डालूं। तो ये 5 दिन का जो हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग चलता है, इस प्रशिक्षण वर्ग में हम लगभग 60 लोगों को यहाँ पे एडमिशन देते हैं, 60 लोगों को जिसको ऑनलाइन एडमिशन होता है, कभी कभी ऑफलाइन भी यहाँ पे एडमिशन होता है, और जिसको जो हम लोग लगभग 2,500 रूपये उसकी फीस लगभग 500 रूपये पर डे के हिसाब से 2,500 रूपये हम फीस लेते हैं। और इस प्रशिक्षण में एक बार वो विद्यार्थी आने के बाद में हम उसको 5 दिन में उस पोल्ट्री बिजनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ब्रॉयलर का बहुत बड़े पैमाने पे आज महाराष्ट्र में और पूरे भारत देश में होता है उसकी डिटेल में जानकारी, अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं व्हाइट लेगहॉर्न है, आरआर है, इंडिब्रो है, तो ये बिजनेस मॉडल में हम कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी, उसके अलावा जो महिलाएं हैं जो मुझे लगता है कि आज एक अपने पूरे देश का एक पायाभूत ये है, उन महिलाओं के लिए भी हम स्पेशल वर्ग चलाते हैं जो 3 दिन का प्रशिक्षण होता है, उसके अंदर हम घरगुती कुकुट पालन, जिसका मतलब घर में बैठे बैठे आप छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग कैसे कर सकते हो, मुर्गियों में कौन सी बीमारियां आती है और वो बीमारी ना आए इसलिए हम किस तरह की प्रिकॉशन ले, कौन से लसीकरण करें, कौन सी मेडिसिन उसको दे, ये सारी जानकारी हम उसके अंदर देते हैं। काफी बार मैंने देखा है कि किसान भाइयों को छोटा सा कौन सी गवर्नमेंट की योजना है ये भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो प्रेजेंट कंडीशन में जैसे एक नाविन्यपूर्ण योजना है जो 2,25,00,000 की एक योजना है, तो इस तरह की योजना है जैसे तलंगागढ़ वाटप नाम की 30 मुर्गियां इसके अंदर हम फार्मर को देते हैं। तो अलग अलग विविध ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इनको ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं, और सबसे खासियत इस ट्रेनिंग की ये है कि जिसे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं, तो किसान भाई खुद हमारे पोल्ट्री फार्म पे जाता है, मुर्गियों को हाथ लगाता है, वैक्सीनेशन लसीकरण कैसे करते हैं वो खुद हाथ से देखता है, चूजे आने के बाद चूजे आने के पहले किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, अंडे कैसे बेचना चाहिए, अंडे की पैकिंग कैसी करनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसी करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, और सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं तो आज मार्केट में उसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजें हम इस पूरे प्रशिक्षण में उसको बनाते हैं ताकि वो विद्यार्थी जब 5 दिन के बाद यहाँ से बाहर निकले तो खुद के बलबूते पे खुद के पैर के ऊपर बैठ के हम वो अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। हम बैंक वालों को भी यहाँ बुलाते हैं ताकि बैंक वाला भी बता दे कि भी किस तरह से उनको लोन की प्रोसेस करनी पड़ती है, और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में या अभी जो हमारे किसान भाई है ये पोल्ट्री फार्मिंग का पूरा हम यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे और एक नया आयाम इस अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।